हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर ब्लॉग। तो आज बात करते हैं एचपी के लैपटॉप की, जिसमें बायोस में पासवर्ड लग गया। तो ये है वो एचपी का लैपटॉप है, इसमें रिकवरी का ऑप्शन आ रहा है जब भी इसको ऑन करते हैं। तो इसको इसमें विंडोज डालने के लिए हम इसको दोबारा ऑन करते हैं, तो पता लगता है कि इसकी जो बायोस में पासवर्ड लगा हुआ है। तो कस्टमर तो पूछते हैं, सर हम इसके बायोस का पासवर्ड लगा हुआ है, इसमें पासवर्ड बता दीजिए। तो कस्टमर कहते हैं कि हमें इसका पासवर्ड सर पता नहीं है, तो इसलिए हम इसका पासवर्ड जो है रिसेट कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि इसमें जो इसका पासवर्ड कैसे रिसेट करते हैं। रिसेट करने के लिए हमें इस लैपटॉप को जो है पूरा खोलना होगा, तो मैं दिखाता हूँ कि इस लैपटॉप को कैसे खोलते हैं। सबसे पहले इसके हमें इसके स्क्रू खोलने हैं। तो लैपटॉप पूरा खोल लिया है। अब ये इसकी बायोस चिप है जो हमें रीप्रोग्राम करनी है। तो मैं दिखाता हूँ कि आपको उसके कैसे रीप्रोग्राम करनी है। उसके लिए हमें इस चिप को उतारना होगा मशीनों के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि इस चिप को कैसे उतारा जा रहा है हीट करके और चिमटे के द्वारा। तो ये पहले ऐसे हल्के हल्के हीट करना होगा। हीट करने के बाद ये काफ़ी हीट हो जाएगी, तो ये अपने आप ही पिघल जाएगी। पिघलने के बाद हमें इसी आईसी को उठा लेना है और बायोस प्रोग्रामर पर लगाना है। तो ये बायोस प्रोग्रामर जिस पर भैया इसको लगा रहे हैं, तो इसके एक एक प्रिंट देखने हैं। तो हमें इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से इसके सारे प्रिंट देखने हैं कि कैसे कैसे इसके प्रिंट सही लगे हैं नहीं लगे हैं। अगर एक भी प्रिंट मिसिंग हुआ तो इसमें जो बायोस रीप्रोग्रामर नहीं हो पाएगी। तो इसकी जो पुरानी बायोस है हमें वो पहले रीड करनी होगी और एक अलग फाइल में सेव करनी होगी। उसके बाद जैसे ही ये सेव हो जाती है, तो हमें जो है इसकी नई फाइल जो है हमें इसकी राइट करनी होगी, तभी इसमें जो पुरानी बायोस में पासवर्ड लग रहा है वो रीसेट हो जाएगा। तो पुराने बायोस सेव का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद जो है इसमें नीचे तीसरे ऑप्शन के बाद इसमें राइट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम वहाँ से जो इसको राइट कर देते हैं। तो राइट करने के बाद इसके जो बायोस है वो प्रोग्राम होने लगती है, इसमें जो नई फाइल चलने लगती है। तो नई फाइल चलने तक हमें थोड़ा वेट करना होगा, और फिर फाइल जैसे ही चढ़ जाती है तो हमें जो है इसकी चिप वैसे ही निकालनी है जैसे हमने लगाई थी। और फिर चिप निकालने के बाद हमें इसमें जो है दोबारा सोल्ड करनी है, तो मशीनों के द्वारा वैसे ही सोल्ड करी जाएगी जैसे कि हमने निकाली थी। तो दिखाते हैं आपको कि कैसे सोल्ड करी जाती है। तो ये चिप पेन उठा लिए चिमटी से, अब इसको मशीन के द्वारा लगाते हैं, और फिर लगाने के बाद ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद जो है फिर इसको पैक करते हैं। तो पैक करने के बाद इसको फिर दिखाते हैं इसको। तो इसको पैक कर दिया है, और पैक करने के बाद मैं इसको ऑन करता हूँ और इसकी F10 दबा के इसकी बायस खोल के देखता हूँ कि इसमें पासवर्ड अब आ तो नहीं रहा। तो इसका पासवर्ड अब नहीं आ रहा है। तो देखा आपने इसका पासवर्ड जो है कैसा रिसेट हो गया। अगर आपको भी लैपटॉप ठीक कराना है तो आप हमारी शॉप से करा सकते हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में एड्रेस मिल जाएगा, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं।